what is different between networking models, like what is different between client server model and peer to peer model. ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन होता है किसी भी इंटरव्यू के लिए. इसका दूसरा ना दूसरा क्वेश्चन होता है व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन वर्क ग्रुप एंड डोमेन. ये तो बहुत पॉपुलर है, मतलब हर एक इंटरव्यू में आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को. राइट, यू हैव टू फेस दिस क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन वर्क ग्रुप एंड डोमेन. तो आपको वर्क ग्रुप एंड डोमेन के बारे में मालूम होना चाहिए. तो वही वर्क ग्रुप और डोमेन को ही हम क्लाइंट सर्वर मॉडल एंड पीयर टू पीयर मॉडल बोलते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेटवर्किंग मॉडल क्या है. नेटवर्किंग मॉडल जो होता है एक डिजाइन है. नेटवर्किंग मॉडल इज अ डिजाइन स्पेसिफिकेशन फॉर हाउ द नोड्स इन द नेटवर्क आर इंटरैक्ट एंड कम्युनिकेट. मतलब एक नेटवर्क में जितने कंप्यूटर्स हैं वो कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं आपस में. राइट, कैसे किस तरह का कम्युनिकेशन हो रहा है, क्या परमिशन हो रहा है, किस तरह से कम्युनिकेशन हो रहा है, इसी को हम नेटवर्किंग मॉडल बोलते हैं. तो बेसिकली तीन मॉडल में इनको डिवाइड किया गया है, एक सेंट्रलाइज हायरार्किकल मॉडल, एक क्लाइंट सर्वर मॉडल एंड एक पीयर टू पीयर मॉडल. तो ये तीनों मॉडल कैसे काम करते हैं इनके बारे में हम लोग देखते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रलाइज हायरार्किकल नेटवर्क मॉडल. इस मॉडल में एक सेंट्रलाइज सर्वर रहेगा, सेंट्रलाइज और यहीं पे सेंट्रलाइज प्रिंटर हो गया, और भी जो भी यहाँ पे जैसे स्टोरेज हो गया, आप यहाँ देख सकते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव है, ये सेंट्रलाइज यहाँ पर सेंट्रलाइज ये है, सेंट्रलाइज रिसोर्सेस हैं. इस केस में क्या होगा, ये सभी क्लाइंट सभी मशीन्स हैं जो इनको हम वर्क स्टेशन बोल सकते हैं, ये लोगों के पास कोई रिसोर्सेस नहीं है, सब लोग टोटली डिपेंडेंट ऑन दिस सेंट्रलाइज नेटवर्क. ये लोग इसी के ऊपर डिपेंड है, अगर ये बंद हो जाता है तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, ये किसी काम का नहीं है. जब हम इसको ऑन करेंगे तभी इनको ये बूट होगा, तभी इसमें काम होगा. एक एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें, इसको हम थिन क्लाइंट के नाम से जानते हैं, और अगर आप गूगल करोगे तो वहाँ पे एन कंप्यूटिंग करो आपको समझ में आएगा. सेम लाइक वही प्रोसीजर है. एन कंप्यूटिंग में क्या होता है, एक हमारा सर्वर टाइप में मशीन रहता है. आप सर्वर एग्जैक्ट सर्वर नहीं है, आप किसी भी मशीन को आप एज अ सर्वर बना सकते हो. और यहाँ से मॉनिटर करने के लिए ये क्या रहेगा, एक नेटवर्क हमारे पास रहेगा. राइट, उसी नेटवर्क से ये कनेक्ट रहेगा, और यहाँ से कई सारे मॉनिटर, केवल मॉनिटर और उनके साथ कीबोर्ड माउस हम लगा देते हैं, और यहाँ पे लगाते हैं इस मॉनिटर के बैक साइड हम लगाते हैं एन कंप्यूटिंग डिवाइस, जिसके अंदर एक NIC पोर्ट रहेगा और कीबोर्ड और माउस ये सभी हम इसमें कनेक्टिविटी दे सकते हैं. तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पे एक एन कंप्यूटिंग डिवाइस रहेगा जिसमें VGA पोर्ट रहेगा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड रहेगा और कीबोर्ड माउस कनेक्ट रहेगा. तो इस केस में क्या होगा, इस नेटवर्क डिवाइस से कनेक्ट हो जाएगा, मॉनिटर भी इसमें कनेक्ट हो जाएगा. राइट, अब इसमें क्या होगा, इनके पास कोई भी रिसोर्सेस नहीं है. जब सर्वर ये ऑन होगा तभी ये इनिशियलाइज होगा, और जो जो एप्लीकेशन हम इसमें इंस्टॉल करेंगे वही वही एप्लीकेशन यहाँ पे आप काम कर पाएंगे. राइट, इसके पास ना तो कोई स्टोरेज रहेगा और ना ही कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है, केवल बूटिंग प्रोसेस रहेगा, और जैसे ये बूट करेगा इससे कनेक्ट हो जाएगा इस नेटवर्क से. तो ये इस तरह के नेटवर्क को हम सेंट्रलाइज नेटवर्क बोलते हैं. राइट, इन दिस नेटवर्क अ सेंट्रल होस्ट कंप्यूटर कंट्रोल ऑल द नेटवर्क कम्युनिकेशन, डेटा प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज. राइट, सब कुछ यहाँ देख सकते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव, राइट, प्रिंटर, और सब कुछ जो है सेंट्रलाइज है यहाँ पर. राइट, तो इस तरह के नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रलाइज या हायरार्किकल नेटवर्क बोलते हैं. तो ये बहुत ज़्यादा हर बड़ी बड़ी कंपनीज में तो नहीं यूज़ होता है, बट यूज़ होता है. ठीक है, आप छोटे लेवल पे इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं. अब हम बात करते हैं अपने दूसरे नेटवर्क मॉडल का, जिसको हम बोलते हैं क्लाइंट सर्वर नेटवर्क मॉडल. ये बहुत पॉपुलर है और बहुत बड़ी बड़ी कंपनी, ऑलमोस्ट जितनी बड़ी कंपनी है सब जगह पे यूज़ होता है. यहाँ पे इस तरह के नेटवर्क में एक सर्वर मैंडेटरी है, एक सर्वर रहेगा, और ये तरह का नेटवर्क में ये जितने हैं सभी को हम क्लाइंट बोलते हैं, सर्वर और क्लाइंट, इसीलिए इनको बोलते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्ट. ओके, या क्लाइंट सर्वर मॉडल बोलते हैं. और यहाँ पर क्या होता है, ये जो
सर्वर है ये कंट्रोल करेगा सारे क्लाइंट को और प्लस सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, राइट। और यही अंतर होता है हमारे सेंट्रलाइज में, सेंट्रलाइज और हायरार्कल मॉडल में सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेगा, केवल कंट्रोलिंग करेगा, राइट। यहाँ पे ये सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। इन दिस नेटवर्क सर्वर प्रोवाइड सर्विसेज टू द क्लाइंट्स एंड एक्सेस टू शेयर रिसोर्सेज सच एज फाइल्स, प्रिंटर्स, हार्डवेयर ईटीसी। इन दिस नेटवर्क एटलीस्ट वन सर्वर प्रोवाइडिंग ऑथेंटिकेशन सर्विसेज। ओके, तो ऑथेंटिकेशन मतलब क्या है? जब ये क्लाइंट मशीन लॉग इन करेगा तो ये क्या होगा, ऑथेंटिकेट करेगा, मतलब पासवर्ड, यूजर एंड पासवर्ड किसे मांगेगा? सर्वर, क्योंकि इनके पास, ये क्लाइंट मशीन के पास कुछ भी नहीं है। जैसे कंप्यूटर ऑन करेगा मांगेगा यूजर एंड पासवर्ड, यूजर एंड पासवर्ड कहाँ स्टोर रहेगा? इस सर्वर में स्टोर रहेगा। सर्वर के अंदर एक डायरेक्टरी सर्विसेस होता है जिसको हम सेंट्रलाइज डेटाबेस बोलते हैं, जिसका नाम होता है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। तो ये सेंट्रलाइज डेटाबेस रहता है, तो उसी में यूजर पासवर्ड एंड सभी इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है। तो जैसे क्लाइंट क्या करता है, लॉगिन करेगा, यहाँ पे मांगेगा यूजर एंड पासवर्ड, तो ये क्या करेगा, ऑथेंटिकेट करेगा इसे, यूजर एंड पासवर्ड मांगेगा तो ये प्रोवाइड करेगा, तब जाके ये लॉगिन होता है, राइट। तो अगर हम बात करेंगे इस तरह के नेटवर्क में, आप बोल सकते हैं इसको लॉजिकली ग्रुपिंग ऑल द कंप्यूटर्स इन सेंट्रलाइज नेटवर्क इज कॉल्ड क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, राइट। ये सभी जितने कंप्यूटर्स हैं ये लॉजिकली ग्रुपिंग है किसके, इस सेंट्रलाइज नेटवर्क से। एक सेंट्रल नेटवर्क है जो सारी रिसोर्सेस कहाँ से हैंडल किया जा रहा है, इस सर्वर से हैंडल किया जा रहा है, यहाँ से कंट्रोलिंग की जा रही है। तो इसीलिए इसको क्लाइंट और सर्वर मॉडल बोलते हैं। तो जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वहाँ पे यही क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्ट हम लोग यूज़ करते हैं। ये इसके लिए क्या आपको करना रहेगा, इस मॉडल को इस्टेब्लिश करने के लिए आपके पास एक सर्वर मैंडेटरी है और ये सभी कंप्यूटर एक ही नेटवर्क में होने चाहिए। और उसके बाद इस सर्वर के अंदर आपको एक डायरेक्टरी सर्विसेज इंस्टॉल करना रहेगा जो कि सेंट्रलाइज डेटाबेस बनेगा, और उस डायरेक्टरी सर्विसेज को हम बोलते हैं एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, राइट। इसके लिए आपके पास एक रजिस्टर डोमेन भी होना चाहिए। उसके बाद ये जितने क्लाइंट मशीन है ये लॉग इन करेंगे तो उनका यूजर आईडी पासवर्ड यहाँ पर स्टोर रहेगा, जो कि अलग अलग कंप्यूटर में लॉग इन हो सकता है। इसका एडवांटेज ये रहेगा कि आज कोई यूजर इस कंप्यूटर में लॉग इन किया, कल वो दूसरे कंप्यूटर में लॉग इन कर रहा है, उसके बाद वो तीसरे कंप्यूटर में लॉग इन कर रहा है, डजन मैटर, क्योंकि वो सारी इंफॉर्मेशन जो भी काम कर रहा है वो सब कुछ कहाँ स्टोर हो रहा है, इस सर्वर में स्टोर हो रहा है, राइट। तो ये बहुत पॉपुलर नेटवर्क मॉडल है। आई होप आपको ये समझ में आया। और अब हम बात करते हैं अपने तीसरे नेटवर्क मॉडल के लिए जिसको हम पीयर टू पीयर नेटवर्क मॉडल बोलते हैं। और इस तरह के नेटवर्क में क्या होता है, इन दिस नेटवर्क रिसोर्सेज शेयरिंग, प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेशन कंट्रोल आर डिसेंट्रलाइज नेटवर्क। डिसेंट्रलाइज है, दैट मीन्स ऑल क्लाइंट्स आर इक्वल इन प्रोवाइडिंग एंड शेयरिंग रिसोर्सेस। मतलब क्या है, इसमें जितने कंप्यूटर यहाँ पे लगे सबका अपना खुद का यूज़र, सबका अपना पासवर्ड है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, राइट। और ये क्या होगा, यहाँ पे कोई डेटा आप शेयर करते हैं उसको ये भी एक्सेस कर सकते हैं, ये भी सब एक दूसरे के इक्वालिटी है, राइट। इस तरह के नेटवर्क में अगर आपने कोई प्रिंटर लगा दिया यहाँ पर, किसी भी कंप्यूटर में प्रिंटर लगा दिया, उसको शेयर कर दिया, तो उस प्रिंटर को प्रिंट करने के लिए इस कंप्यूटर से भी प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन यहाँ पर नहीं है। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइज नेटवर्क बोलते हैं। बस एक वर्ड आपको याद रखना है, जो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क होता है वो सेंट्रलाइज नेटवर्क होता है, और पीयर टू पीयर नेटवर्क जो होता है वो डिसेंट्रलाइज नेटवर्क होता है। यहाँ पे कोई सिक्योरिटी बाउंड्री नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, सब अपने अपने मालिक हैं, राइट। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं, अगर इसका डेफिनेशन आपको देना रहेगा, लॉजिकली ग्रुपिंग ऑल कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क आर डिसेंट्रलाइज इज कॉल्ड
पीयर टू पीयर नेटवर्क और वर्क ग्रुप नेटवर्क, इसका दूसरा नाम क्या है, वर्क ग्रुप नेटवर्क भी कहते हैं इसे हम, राइट। तो अगर हम पेन ड्राइव लगा रहे हैं किसी कंप्यूटर में, इसमें पेन ड्राइव लगाए उसको शेयर कर दिया, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं एक्सेस, यहाँ से भी आप उस पेन ड्राइव से कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, या मूवी आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी कुछ भी कर सकते हैं, राइट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पीयर टू पीयर नेटवर्क मॉडल बोलते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन इसके अंदर नहीं होता है, राइट। तो गाइस आई होप आपको समझ में आया, मैंने तीन मॉडल बताया आपको नेटवर्किंग, तीन मॉडल कौन कौन, एक होता है सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क मॉडल जिसको हायरार्किकल मॉडल भी बोलते हैं, दूसरा है क्लाइंट सर्वर मॉडल, और तीसरा है और सबसे पॉपुलर है क्या, पीयर टू पीयर नेटवर्क मॉडल जिसको हम वर्क ग्रुप मॉडल भी बोलते हैं। इसके अंदर कोई सर्वर की ज़रूरत नहीं है, किसी डायरेक्टरी सेंट्रलाइज डेटाबेस की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सब अपने अपने यूज़र सभी कंप्यूटर के पास हैं, राइट। जब लॉगिन करेगा तो फिर अपना प्रोफाइल वो करेगा और अपना काम कर सकेगा, बट क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्ट में सब कुछ डिपेंड करेगा सर्वर के ऊपर, या सेंट्रलाइज नेटवर्क के ऊपर भी, सेंट्रलाइज नेटवर्क में भी सब कुछ डिपेंड करता है सेंट्रलाइज रिसोर्सेज के ऊपर, बट पीयर टू पीयर मॉडल में सब लोग स्टैंड अलोन है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर साइबर कैफे पे आप जाते हैं, वहाँ पे 10-15 कंप्यूटर लगा हुआ किसी साइबर कैफे में, और आप प्रिंट करना चाहते कुछ भी तो कहेगा प्रिंट कर लो, प्रिंटर एक ही कंप्यूटर में कहीं लगा रहेगा और कहीं से भी आप प्रिंट कर सकते, क्योंकि वो शेयर किया गया है प्रिंटर को, तो कोई भी एक्सेस कर सकता उस पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर, राइट। तो इस तरह के नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, पीयर टू पीयर नेटवर्क बोलते हैं, या तो वर्क ग्रुप नेटवर्क बोलते हैं। इंटरव्यू के रिलेटेड क्वेश्चन मैं इसमें बताता हूं आपको, पहला क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है व्हाट इज नेटवर्किंग मॉडल, तो आप बता सकते हैं देयर आर थ्री मॉडल, कौन कौन, क्लाइंट सर्वर, पीयर टू पीयर मॉडल, क्लाइंट सर्वर मॉडल एंड हायरार्किकल एंड सेंट्रलाइज मॉडल, राइट। ये नेटवर्किंग मॉडल हो गए, सबके बारे में मैंने बता दिया आपको। दूसरा क्वेश्चन इसमें रेज होता है व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन वर्क ग्रुप एंड डोमेन, तीसरा क्वेश्चन इसमें रेज होता है व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन पीयर टू पीयर नेटवर्क एंड क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं।